एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर भारत के झंडे में जो लिपटा हुआ है इस वक्त उस वाहन से उतारा जा रहा है जिसमें उसने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की है। भारतीय फौज और बाकी जो एयरफोर्स और साथ ही साथ नेवी के जो ट्राई सर्विसेज के यहाँ पर जवान हैं वो उस पार्थिव शरीर को लेकर इस वक्त उस शैया तक जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव तक जा रहे हैं जहाँ पर लता मंगेशकर जी को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और बहुत जिसे कहते हैं दुखद तस्वीरें इस वक्त ज़रूर होंगी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। ये कहीं ना कहीं बड़ा गमगीन माहौल ज़रूर होगा नैना, और जिस तरीके से अब ये लता जी को सबने अब तक हंसते हुए हमेशा लोगों के बीच में देखा है, उनकी आवाज़ को लोगों ने हमेशा स्मरण किया है, आज उनको जब देख रहे हैं तो शायद लोगों के बीच में एक दुख ज़रूर होगा कि स्वर कोकिला अब हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल अंकित, और यही वही बात है कि हर कोई इस बात से वाकई में दुखी बहुत है, और जब शुरुआत में खबर आई तो उस चीज़ को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि उनकी लता दीदी अब नहीं है, अब उनका ये पार्थिव शरीर जो अब अंतिम क्रियाएं हैं उसकी तैयारी की जा रही है। पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क यहाँ पर पहुंचाया गया है, ये तस्वीर देखिए, और आप वहाँ की आवाजें सुनिए, अभी भी वहाँ पर लता दीदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अनेक दशकों अपनी लता दीदी अमर रहे के नारे इस दौरान आपको सुनाई दे रहे होंगे। हालांकि बहुत ज्यादा नजदीक लोगों को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बस एक झलक पाने के लिए ही, और लोग लता दीदी अमर रहे के नारे लगातार यहाँ पर लगा रखे हैं। आप भीड़ देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, और अगर आप सुनेंगे तो लोग वहाँ पर अभी भी लता दीदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज शांत है, उनकी आवाज आज थमी हुई है, लेकिन हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में लता दीदी आज गुनगुना जरूर रही है।